अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबकी फरमाइश पर मुझे बहुत सारे व्यूवर्स ने कहा है कि मुझे हम लोगों को पुदीने की चटनी बता दें, तो आज मैं बता रही हूँ आपको पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी यानी कि रायते के साथ, दही के रायते के साथ, जैसे कि बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया, मटर का पुलाव हो गया, कोई भी राइस है नमकीन के साथ खाने के लिए। मेरे पास ये पुदीना है तकरीबन आधी प्याली, नमक ये हाफ टी स्पून, जीरा 1 टीस्पून, एक हरी मिर्च है, आपका मैं ज़्यादा भी कर सकती हूँ। अब मैं इसको स्टिक ब्लेंडर में डाल के और इसका पेस्ट बना के तो नेक्स्ट वाला प्रोसीजर बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट वाले प्रोसीजर में क्या होगा। अभी इसमें मैंने ऐड कर दिया जीरा, नमक, हरी मिर्च और पुदीना। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, स्टिक ब्लेंडर की मदद से इसको पेस्ट इसका तैयार कर लूँगी और फिर नेक्स्ट बताती हूँ कि नेक्स्ट में मैंने आपको इसमें कितनी क्वांटिटी दही में इसको मिक्स करना है। ठीक है, अब मैं स्टिक ब्लेंडर की मदद से ये मैंने मिक्सर तैयार कर लिया है, जो पुदीना, हरी मिर्च और साथ में जीरा, नमक का पेस्ट और मेरे पास ये 1 पाव के करीब दही है, इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, इसके लम्स खत्म हो गए। अब ये मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। आपका मज़ेदार किस्म का पुदीने का रायता तैयार है। आप इसको कबाब के साथ खाएं, सीख कबाब के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बिरयानी के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं, जिसके साथ मर्जी खाएं। अब इसकी थोड़ी सी हम लोग करते हैं डेकोरेशन, देन फिर इसकी पिक्चर लेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। किसी चीज़ के बारे में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।